एक तरफ जहां कांवरिया गंगा जल भरकर शिवालयों में भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए शुद्ध मन भाव से निकल पड़े हैं, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर नाली का पानी बह रहा है, उसी से श्रद्धालु को गुजरना पड़ रहा है। ना तो जिला प्रशासन इस पर ध्यान दे रही है और न ही नगर निगम, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संतोष शाह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ नाले के पानी में बैठकर जिला प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भागलपुर जिलाध्यक्ष संतोष शाह ने कहा, प्रशासन जब तक यहां पर नहीं आती है और इस गंदे पानी के जल जमाव वाली व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जाता है, तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, पवित्र महीना चल रहा है, श्रावण मास का। श्रावण के पवित्र महीने में गंगा से जल भरकर हजारों कमरिया बाबा बासुकीनाथ जल अर्पण करने के लिए जाते हैं, डाक बम से जाते हैं और इसी रास्ते से गोड्डा बम भी जाते हैं। और प्रशासन को यह पता है कि प्रत्येक रविवार को हजारों की संख्या में चलते हैं, जबकि आपके चैनलों के द्वारा इस भीषण विषाका को दिखाने का काम किया गया, लेकिन पूंजी वही सरकार, उसके प्रशासन के लोग जगे नहीं और आज हमारी हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। अपने भारत देश को आजाद कराने के लिए कई वीर सपूत शहीद हो गए। कुछ वीर सपूतों के नाम लोगों के जुबान पर हैं, लेकिन कई ऐसे वीर सपूत हैं जिन्होंने अपना अहम योगदान देश की आजादी में दिया है। वह गुमनामी के अंधेरे में इतिहास के पन्ने में खो गए हैं। उन्हें उभारने और युवाओं को उनकी गाथा याद दिलाने के लिए संस्कार भारती के द्वारा पूरे प्रदेश में देशभक्ति पर आधारित गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है। यह नुक्कड़ नाटक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमृत महोत्सव के समापन के अवसर पर संस्कार भारती के द्वारा पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भागलपुर, बांका, खगड़िया, कटिहार के अलावे कई जगहों पर एक साथ चल रहे हैं। इसी बाबत आज भागलपुर के घंटाघर चौक पर तारापुर में शहीद हुए वीर क्रांतिकारियों के गाथा पर आधारित नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बरियारपुर के अंग नाट्य मंच के निदेशक संजय कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम को कराने का मुख्य उद्देश्य है जो गुमनामी के अंधेरे में इतिहास के पन्ने में खो गए हैं, उन्हें उजागर करना है। उन्होंने बताया कि तारापुर में 34 क्रांतिकारी वीर सपूतों की शहीदों की शहादत हुई है, उसी घटना पर आधारित नुक्कड़ नाटक तारापुर के शहीद का मंचन किया जा रहा है। यह तारापुर के शहीद जो कि गुमनामी के अंधेरे में इतिहास के पन्नों में रह गया, तारापुर में 34 जवानों की शहादत हुई, देश के क्रांतिकारियों की शहादत हुई, उसी घटनाओं पर आधारित हमने ये नुक्कड़ किया है तारापुर के शहीद। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमृत महोत्सव समापन के अवसर पर संस्कार भारती के द्वारा पूरे प्रदेश में इस तरह का नुक्कड़ किया जा रहा है। जिले में विषहरी महारानी केंद्र पूजा समिति के द्वारा विषहरी पूजा को भव्य तरीके से पूरे नियम निष्ठा एवं शांतिपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शहर के तकरीबन 115 भगत व मूर्ति स्थापित करने वाले मेड़पति इस बैठक में उपस्थित थे। आगामी 16 जुलाई को बारी पूजा, उसके बाद 16 अगस्त को कलश स्थापना की जाएगी, फिर 17 और 18 अगस्त को माँ मनसा को डलिया चढ़ाया जाएगा और 19 अगस्त को भव्य शोभा यात्रा व सर्जन का आयोजन रखा गया है। वहीं सभी विषहरी पूजा पंडाल में अश्लील गाने पर पाबंदी लगाई गई है। विषहरी महारानी केंद्र पूजा समिति के अधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने कहा कि मंदिर परिसर में अश्लील गाना बजाने वाले पूजा समिति के लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। विषहरी महारानी केंद्र पूजा समिति के अध्यक्ष भोला प्रसाद मंडल ने कहा, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शांति व सौहार्द के साथ हम लोग विषहरी पूजा मनाएंगे। किसी तरह की असुविधा पर प्रशासन से भी मदद ली जाएगी, साथ ही सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन को आवेदन दिया जाएगा, जिससे पूजा में किसी तरह की विपदा व परेशानी ना आए। इस वर्ष भी केंद्रीय विषहरी पूजा समिति धूमधाम से भागलपुर में विषहरी पूजा मनाएगी। लगभग 115 से ऊपर भगत पूजा और मूर्ति पूजा भागलपुर में होती है और प्रत्येक साल की भांति 16 तारीख को बारी पूजा और अगला 16 अगस्त को मध्य रात्रि में कलश स्थापना होती है और 17 और 18 को डलिया चढ़ाई जाती है और 19 को शोभा यात्रा हम लोग भागलपुर में निकालते हैं।
जनता दल यूनाइटेड भागलपुर शाखा द्वारा आगामी 18 जुलाई को भागलपुर प्रमंडल का एक दिवसीय संगठनात्मक समीक्षा बैठक रखी गई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। इस बैठक में भागलपुर बांका नगोछिया एवं महानगर संगठन जिला के सभी कार्यकर्ता इसमें मौजूद रहेंगे। सभी जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। गौरतलब हो कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर जदयू ने कमर कस ली है। वहीं भागलपुर मंडल जदयू के प्रभारी प्रहलाद सरकार ने बताया कि 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक सिखाने का दिन है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का जाना तय है। जनता महंगाई और बेरोजगारी देख रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता जल से उखाड़ फेंकेगी। आज जनता दल यू महानगर जिला इकाई की बैठक है, जिसमें हमारे जो है सेक्टर अध्यक्ष जी लोग भाग लिए हैं। इस पर कोई मनमुटाव नहीं है, सभी साथी तो एक साथ मिल के काम कर रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव है और निश्चित तौर पर जो हमारा महागठबंधन बना है, हमारे नेता ने जो प्रयास करके तमाम विपक्षी दलों को गोलबंद किया है, आज जो मरकज में केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है उनकी निंदाराम है। निश्चित तौर पर 2024 में भाजपा का जाना तय है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर हजारों कांवरियों ने अजगैबीनाथ उत्तरवाहिनी गंगा से जल लेकर देवघर वैद्यनाथ धाम रवाना हुए। आपको बता दें कि बिहार, झारखंड, बंगाल, नेपाल सहित अन्य जगहों के कांवरिया बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के रूप व कांवर एवं दंड देकर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए बोलबम हर हर महादेव के नारे के साथ अजगैबीनाथ धाम से वैद्यनाथ धाम रवाना हो रहे हैं। वहीं शिव भक्तों ने बताया कि बाबा नाथ हम सबों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अजगैबीनाथ धाम से गंगा जल लेकर देवघर वैद्यनाथ धाम पैदल यात्रा एवं वाहन यात्रा करते हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर सभी विभाग के द्वारा अजगैबीनाथ धाम से कच्ची कांवरिया पथ में दिन रात सुरक्षा व्यवस्था एवं स्वास्थ्य व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किया गया है, जिससे बाहर आने वाले शिव भक्त को कोई परेशानी ना हो। मुझे बहुत मजा आया, गंगा धाम में मैंने अच्छे से स्नान किया और यहाँ पे काफी मतलब NDRF की टीम भी घूम रही है कि अगर जो स्विमिंग नहीं कर सकते अगर गिरे तो वो उन्हें सेव कर सके। काफी अच्छा है। मैं उसी नगरी की वासी हूँ, मैं देवघर में ही रहती हूँ और कुछ नहीं, बस बाबा को प्रणाम करने, उनका आशीर्वाद लेने के लिए।